दोस्तों आज मुझे एक स्टैंड बनाना है ओवरहेड व्यू के लिए। टू फीट की हाइट तक रहेगा। इस तरह से एक सी क्लैम होता है, वो यहाँ पे लगेगा। सी क्लैम रेडी हो चुका है। रूम की आप हालत देख सकते हो। तो दोस्तों हमारा स्टैंड इस तरह से रेडी हो चुका है। फोन रखना है ना, उसके लिए माउंट भी बनाना है। दोस्तों ये वीडियो बनाते बनाते आज थर्ड डे हो चुका है। कल कुछ काम निकल आया था तो फिर मैं चला गया था, और फिर बारिश भी हो रही थी तो आज फिर से काम शुरू करते हैं। ये जो स्टैंड है ना, अभी थोड़ा हिल रहा है, इस वजह से थोड़ा लूज है। यहाँ से जो स्क्रू फिक्स होता है ना, वो इतने खास नहीं हुए हैं। कुछ इसका जुगाड़ लगाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। अभी ये फिक्स हो चुका है, यानी ये रेडी हो चुका है। अभी इसका जुगाड़ लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कैमरा फिट होगा, यानी शायद फ़ोन फिक्स होगा या कैमरा फिक्स होगा। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ भी, मतलब मैं फिक्सिंग के लिए कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, यानी माउंट जैसा कुछ बनाना पड़ेगा। और माउंट तो हमारे पास वो जो पुराने वाला ट्राईपॉड है उसका माउंट पड़ा हुआ है, उसी में से जुगाड़ लगा लेंगे। मेरे पास एक बोल्ट भी पड़ा हुआ है, वो बोल्ट उसकी साइज का है, यहाँ पे मैं लगा दूंगा और उसके अंदर फिर वो माउंट फिक्स कर दूंगा। चलिए देखते हैं किस तरह से। ये जो माउंट है ना, इसके अंदर बोल्ट लगेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से हमारे फ़ोन के लिए माउंट रेडी हो चुका है। और अगर हमें कैमरे में लगाना होना था, ये जो बोल्ट है उसके अंदर कैमरा भी फिट हो जाएगा। ये जो माउथ है ना, उसमें एक प्रॉब्लम आई है, यानी ये जो बोल्ट है ना, इसके अंदर जैसे जैसे, मतलब मैं इसे फिक्स करता हूँ ना, इसे फिट करता हूँ, तो ये जो यहाँ से जो ये रबड़ है ना, ये निकल गया है यहाँ से, इससे ऐसे निकल जाता है। तो उसके लिए अभी कुछ करते हैं। इसकी जो डेप्थ है ना, उसे हम पहले इससे मेजर कर लेते हैं, और उसके बाद वो जो बोल्ट है ना, उस पर मैं सोच रहा हूँ कि जो वाइट टेप आती है ना, वो लगा देंगे वहाँ पर, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ तक ही हमें फिट करना है और उसके बाद फिट नहीं करना है। ये जो मैंने किया है ना, इससे हमें पता चल जाएगा कि कहाँ तक हमें वो जो माउथ है उसे कहाँ तक फिट करना है, और उसके बाद फिट नहीं होगा। तो इस तरह से शायद इसमें अगर नट हम बिठा देना तो और भी अच्छा होगा, लेकिन अभी नहीं है मेरे पास शायद, लेकिन देखता हूँ, अगर मिलती है तो फिर वो भी काम कर देंगे, वो इससे भी और बेहतर होगा। अभी भी जो हमें क्रीपिंग चाहिए ना, वो नहीं मिल रही है, तो अभी कुछ और करते हैं।
फाइनली हमारा माउंट रेडी हो चुका है और इसमें मुझे बहुत बहुत यार मतलब मैं बहुत आइडियाज़ लगाने पड़े और उसके बाद ये मतलब मैं बन गया है, फाइनली रेडी हो चुका है। बहुत बार फेल भी हुआ लेकिन फाइनली अभी रेडी हो चुका है। ये है वो क्लेम जो हमने बनाया था, मेरे फ्रेंड ने मुझे बना के दिया था। अब ये यहाँ पे हम लगाएंगे यहाँ पे, तो ये मतलब मैं फाइनली इस तरह से रेडी हो चुका है। ये अभी बहुत ही बढ़िया फिट हुआ है ये, ठीक है। और ये जो है ये इस तरह से लगेगा यहाँ पे और फिर ये यहाँ पे इस तरह से। ये जो सी क्लेम बनाया है ना हमने, वो भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। अभी इसमें भी जुगाड़ लगाना पड़ेगा, कुछ फिर से बनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करेंगे यार। फिर इसको ही कुछ ना कुछ मैं सोच रहा हूँ यहाँ से कट कर दूँ इस तरह से, और इसे ना थोड़ा ये ज़्यादा वाइड है तो उसे थोड़ा नैरो कर देता है, मैं सोच रहा हूँ ऐसे। आगे देखते हैं क्या करते हैं। अभी भी प्रॉब्लम है, ये जो सी क्लैम है ना वो वर्क नहीं कर रहा है। अगर इसे हमें प्रॉपरली यूज़ करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसे फिर से वेल्डिंग करवाना पड़ेगा। ये जो है ना ये बस इतनी प्रॉपर्टी को ये हैंडल करता है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर ये हैंडल करे तो ये बहुत अच्छे से फिट हो सकता है, लेकिन अभी ये इतना फिट नहीं है जितना मुझे चाहिए। और डेफिनेटली यार इतना तो मतलब मैं कुछ भी वर्क नहीं, तो अभी इसे फिक्स करने के लिए एक और जुगाड़ लगाना पड़ेगा। लेकिन जो भी करेंगे ना फ्री में करेंगे, यानी मैं यहाँ पे हम जो हमारी चैलेंज है उस हिसाब से मैं फ्री में ये स्टैंड बनाऊंगा और बना के ही रहूँगा। देखते हैं आगे क्या कर पाते हैं, कुछ तो करते हैं। Thank you.
फाइनली अपना काम ख़त्म हो चुका है और अपना जो स्टैंड बनाना था ना वो रेडी हो चुका है। ठीक है, अभी हम चेक कर लेते हैं कि ये टेबल पे जो सेट करना है ना हमें वो वहाँ पे सेट होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, हम नीचे सेट कर लेंगे, कोई नहीं। लेकिन मैं टेबल पे सेट करने वाला था इसलिए पहले चेक कर लेते हैं वहाँ पे होगा भी या नहीं होगा, वो भी पता नहीं अभी तक। तो दोस्तों फाइनली आप देख सकते हो ये इस तरह से रेडी हो चुका है, पूरा यहाँ पे सेट हो चुका है। ये जो लेग है वो यहाँ पे सेट हो चुके हैं और इस तरह से ये हाइट भी कंप्लीट हो चुकी है। कैमरा या मोबाइल सेट करने के लिए जो होल्डर है वो भी हमारा सेट हो चुका है। इस तरह से यहाँ पे कैमरा और मतलब जो भी फ़ोन वगैरह जो भी माउंट लगाना हो तो वो भी यहाँ पे लग जाएगा। और इस तरह से इतने हाइट से हमारा व्यू भी आ जाएगा, यहाँ का जो भी व्यू मैं लूँगा ना वो यहाँ से डायरेक्टली आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये स्टैंड रेडी हो चुका है। इसे मैं नीचे भी यूज़ कर सकता हूँ, टेबल पे भी यूज़ कर सकता हूँ। और पहले जो मैं जुगाड़ लगाता था कि मैं ये जो ट्राइपॉड है मेरे पास उसे यहाँ पे रख कर फिर इस तरह से मैं वीडियो रिकॉर्ड करता था, तो मतलब मैं प्रॉपरली वीडियो हो नहीं पाता था, इतने अच्छे से वीडियो नहीं हो पाता था, वो अभी मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो वीडियो है ना इसे बनाने में मुझे 3 दिन लगे हैं, आपके साथ मैंने शेयर कर ही दिया है किस तरह से मैं फेल हुआ, किस तरह से मैंने नई चीज़ें सीखी, किस तरह से कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा कर ये स्टैंड बनाया। और ये जो भी स्टैंड बनाया ना मैंने फ्री में बनाया है, एक भी पैसा मैंने इन्वेस्ट नहीं किया है। मेरे पास जो भी पड़ा हुआ था ना वो मैंने यूज़ किया और उसके बाद ये स्टैंड मैंने बनाया है। आपको मैंने सब कुछ शेयर किया है, आपने वीडियो देख ही लिया। तो मेरी जो चैलेंज थी ना कि मैं फ्री में ये स्टैंड बनाऊँ ओवर हेड व्यू के लिए, और वो चैलेंज मैं जीत चुका हूँ, फाइनली मैं विन हो चुका हूँ। और थैंक यू सो मच अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलना, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।